गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर फोर्थ पढ़ रहे हैं। कल हमने इसमें पढ़ा था क्लीनिंग हाउस और अलग अलग घरों के बारे में। आज हम पढ़ते हैं डेकोरेटिंग अ हाउस, एक घर को कैसे डेकोरेट किया जाता है, सजाया कैसे जाता है। पीपल आल्सो डेकोरेट देयर हाउसेस टू मेक देम लुक नाइस। लोग जो होते हैं वो अपने घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं ताकि वो अपने घर को सुंदर दर्शित कर सके या उनका घर सुंदर दिखाई दे। दे टू शो इन मैनी वेज। सो ये इसे बहुत से अलग अलग तरीकों में करते हैं। सम पीपल डेकोरेट द फ्लोर्स ऑफ देयर हाउसेस विथ कलर्ड राइस फ्लोर फ्लावर पेटल्स एंड वेट पेंट्स। कुछ लोग होते हैं जो अपने घरों के फ्लोर मतलब आंगन को सजाते हैं, देयर हाउसेस घरों के आंगन को सजाते हैं विद कलर्ड राइस फ्लोर। कलर्ड राइस फ्लोर कलर वाला चावल का आटा, यानी चावल का आटा होता है जिसमें कलर मिक्स किए होते हैं, अलग अलग कलर का हो जाता है। फ्लावर पेटल्स फूलों की पंखुड़ियाँ, ये मानो कि फूल के जो होते हैं टुकड़े। एंड वेट पेंट्स और गीला कलर, इन सब का उपयोग करके वह अपने घरों के फ्लोर आंगन को सजाते हैं। दिस काइंड ऑफ डेकोरेशन इज कॉल्ड रंगोली। और इस तरह का जो डेकोरेशन होता है जो आंगन में कलर्स और इनके साथ बनाया जाता है, इसको कहते हैं रंगोली। अपन लोग भी यहाँ पे दिवाली पे होली पे सब अच्छे अच्छे त्यौहार आते तब अपन रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली यही बनती है। जैसे यहाँ पे फोटो में दर्शित किया गया है, रंगोली को दिखाया गया है। फ्लोर पेंटिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया। जो फ्लोर पेंटिंग है, आंगन में जो रंगोली या पेंटिंग की जाती है, वो साउथ इंडिया स्टेट की पॉपुलर हैं, फेमस हैं। द पीपल इन साउथ इंडिया ऑलवेज हैव फ्लोर पेंटिंग्स आउटसाइड देयर हाउसेस। जो साउथ इंडिया के साइड के लोग हैं वे लोग फ्लोर पेंटिंग करते हैं अपने घरों के बाहर की तरफ, घरों के बाहर की तरफ, घर के बीच वाले आंगन में वो फ्लोर पेंटिंग आंगन में पेंटिंग करते हैं। जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं वो इस तरह अपने घरों को सजाते हैं। सम पीपल आल्सो डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस विथ क्ले मड एंड मिरर्स। कुछ लोग होते हैं जो अपने घरों की दीवारों को भी दीवारों को भी डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं विथ क्ले मड एंड मिरर्स। क्ले के बारे में सबको पता है एक ऐसी चीज़ होती है जो आराम से मुड़ती है, ऐसे क्ले टाइप, उससे हम बहुत सारी डेकोरेटिंग चीज़ें बना सकते हैं और दीवार पे लगा के अपनी दीवारों को सजा सकते हैं। क्ले मड, मड होता है गीली मिट्टी या छोटे छोटे जो कंकर होते हैं रंग बिरंगे, गीली मिट्टी से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बनते हैं, उनसे भी अपन लोग अपने घरों की दीवारों पर सजा सकते हैं। एंड मिरर्स और कांच, इन सब का उपयोग करके लोग हैं अपने घरों की दीवारों को डेकोरेट करते हैं या सजाते हैं। वॉल पेंटिंग्स आर पॉपुलर इन बिहार गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। जो वॉल पेंटिंग है दीवारों वाली पेंटिंग्स या दीवारों पे जो पेंटिंग्स की जाती है, डेकोरेशन किया जाता है, वो बिहार गुजरात और वेस्ट बंगाल की पॉपुलर या फेमस हैं। उसके बाद आता है वाली पेंटिंग्स ऑफ महाराष्ट्र इज आल्सो वेरी पॉपुलर। वाली जो पेंटिंग है वो महाराष्ट्र की सबसे मुख्य सबसे फेमस पेंटिंग है। वाली पेंटिंग्स यूज राइस पेस्ट ओवर चारकोल और काउ डंग। जो वाली पेंटिंग है वो किससे बनती है, यूज राइस पेस्ट चावल का पेस्ट का उपयोग करके ओवर चारकोल कोयले का, लकड़ी से जो कोयला बनता है, लकड़ी जलने के बाद वो कोयला, राइस पेस्ट और काउ डंग और गाय के गोबर का उपयोग करके ये पेंटिंग बनाई जाती हैं। और ये कहाँ की, महाराष्ट्र की पॉपुलर फेमस पेंटिंग है वाली पेंटिंग। यहाँ पे रंगोली और वाली पेंटिंग की पर फोटो आई है, इस तरह की होती है वाली पेंटिंग्स। रंगोली के बारे में तो अपन सबको पता ही है। एनिमल शेल्टर्स, एनिमल्स आल्सो नीड शेल्टर टू लिव इन। जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको भी रहने के लिए उन घरों की या शेल्टर्स की आवश्यकता होती है। सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर्स, सम बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स एंड सम लिव इन मैन मेड हाउसेस। कुछ जो जानवर होते हैं वो नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं, मतलब नेचुरल जो घर बने होते हैं जैसे कि पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब पे रहने वाले। और सम बिल्ड देयर ओन शेल्टर, और कुछ होते जो खुद अपना
घर बनाते हैं, जैसे कि लॉयन है, रैट हैं, खरगोश होते हैं, रैबिट, ये सब अपना घर अपने आप बनाते हैं, जैसे कि गुफा, खड्डे या फिर चींटियाँ होती हैं जो रेत में अपना घर खुद बनाती हैं। और सम लिव इन मैन मेड हाउसेस, और कुछ जो होते हैं वो अपने मैन मेड हाउसेस बनाते हैं, मतलब लोगों पीपल यानी लोगों के द्वारा, जो मनुष्यों के द्वारा घर बनाए हुए होते हैं उनके अंदर रहती हैं। अब अ लॉयन लिव्स इन अ डैन, एक लॉयन होता है वो डैन में एक गुफा के अंदर रहता है, अपने गुफा में रहता है। अ रैबिट लिव्स इन अ ब्यूरो, जो रैबिट होता है, खरगोश होता है, चूहे वगैरह होते हैं, रैट्स, ये लोग अपने ब्यूरो यानी बिल में रहते हैं। गुफा जो होती है, डैन और दोनों एक जैसे होते हैं, बट डैन जो होते हैं वो बड़ा होता है और जो बिल होता है वो छोटा होता है। बीज लिव इन अ हाइव, जो मधुमक्खी होती है वो अपने छत्ते में रहती हैं। इस प्रकार का पेड़ों पे या घरों की बाहर की तरफ दीवारों पे मधुमक्खी अपना हाइव बनाती है, छत्ता बनाती है, और फिर वहीं पे वो अपना हनी इकट्ठा करते वहीं रहती हैं। स्पाइडर लिव्स इन अ वेब, स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो अपने वेब या अपने खुद द्वारा बनाए गए जाल में रहती हैं। आंट्स लिव इन अ एंथिल, जो चींटियाँ होती है वो एंथिल में रहती है, जैसे कि अभी बताया था, जो रेत के अंदर वो खड्डे करती हैं, गहरे भी छोटे भी, उन खंडों के अंदर ही चींटियाँ रहती हैं। बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, पक्षी नेस्ट में घोंसले में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन मैन मेड शेल्टर, कुछ जानवर मैन मेड शेल्टर यानी मनुष्य लोगों द्वारा शेल्टर घर बनाया जाता है उसमें रहती है। अ काउज काउ लिव इन अ शीड, जो गाय होती है शीड में रहती है, शीड का मीन्स होता है जैसे गौशाला या गायों के लिए स्पेशली घर बनता है एक अलग सी जगह, उसे शीड कहा जाता है, गौशाला। अ हॉर्स लिव इन स्टेबल, जो हॉर्स है घोड़े वो स्टेबल में रहते हैं, घुड़साल बोलो या अस्तबल, यानी कि जहाँ पे घोड़ों के लिए स्पेशली प्लेस बनाई जाती है, इस तरह की बनी होती है, अंदर से पैक होती है, इतना सा स्पेस खुला होता है ताकि घोड़ा आराम से अपना मुंह बाहर अंदर कर सकता है। अ डॉग्स लिव इन अ कैनल, जो डॉग्स होते हैं वो कैनल में रहते हैं, डॉग्स के लिए स्पेशली ऐसे घर बनाए जाते हैं, छोटे से हट की तरह, झोपड़ी की तरह, ये काफ़ी डॉग्स को लोग अपने घर के अंदर ही रखते हैं। शिप लिव्स इन अ पेन, जो शिप होती हैं वैसे पेन में, यानी एक अलग सी खुली सी जगह होती है घास वाली, वहाँ पे सारी शिप्स को रखा जाता है। हैंस लिव इन अ कूप, हैंस मुर्गियों को कूप के अंदर रखा जाता है, एक कमरे की तरह खुली जगह होती है जहाँ पे चारों तरफ जाली लगाई हुई होती हैं, और एक दो इस तरह की लकड़ी का स्टैंड होता है, बाकी पूरा पूरा जाली से ढका हुआ होता है। फिश लिव्स इन एन एक्वेरियम, फिश मछलियाँ जो होती है एक्वेरियम, वैसे मछलियाँ नेचुरल प्लेस में भी रहती है जैसे कि समुद्रों में, नदियों में भी रहती है, बट जो मैन मेड हाउस बताया गया है तो एक्वेरियम, एक्वेरियम का मीन्स होता है कि एक जो कांच का या से कांच प्लास्टिक जैसे कांच का बड़ा सा डिब्बा आता है, उसके अंदर नीचे से छोटे छोटे कंकड़ डाले गए होते हैं और उसके ऊपर ऐसे नकली पौधे वगैरह लगाए गए होते हैं और फिर उसके अंदर इन मछलियों को रखा जाता है, तो इसे एक्वेरियम कहा जाता है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर अपने अगले वीडियो में करेंगे।